जहरीले शराब से दो लोगों की मौत के बाद फिर से दो लोगों की मौत हो गई। अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है, एक की हालत गंभीर है, दो का इलाज जारी है। रौन थाना क्षेत्र के इंदुरखी की गांव की घटना है, जहां पर आज कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार, एसएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान गांव पहुंचे और मृतकों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। जहरीली शराब मामले में दो थाना प्रभारियों के साथ सात पुलिस कर्मियों पर अब तक गाज गिर चुकी है। संवेदनशील भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने इंदुरखी में जहरीली शराब के सेवन से मृत व्यक्तियों के परिजनों से चर्चा कर घटना के संबंध में जानकारी ली। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने उनके परिवारजनों को शासन की ओर से हर संभव मदद करवाने की बात कही। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ये जैसा कि आपकी जानकारी में है कि पूर्व में यहाँ पे दो लड़कों की मृत्यु हुई थी संदिग्ध रूप से, जिसमें अवैध शराब के संबंध में बात आई थी। उसके बाद परसों रात में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और कल रात में जो पता चला है, कल और आज की दरमियानी रात में एक व्यक्ति की और मृत्यु हुई है। तो इसमें अभी हम लोग यहीं गाँव में भी आए थे, पूर्व में भी पूछताछ यहाँ पे की थी और वर्तमान में भी आए थे। जो पूर्व में बताया गया था उसके आधार पर जितने लोगों की तबीयत में कोई इस तरह की बात आई थी उनका सबका इलाज कराया गया, तो वो वर्तमान में स्वस्थ हैं। फिर ये अन्य दो लोगों की बात पता चली है कि जिन्होंने कुछ शराब का सेवन किया फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है और एक की मृत्यु हुई है, एक का भी वर्तमान में इलाज रहता है। टोटल कितने लोगों की सर मौत हो चुकी है? अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि ये जो अभी जो दो लोगों की स्थिति अभी खराब थी जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, उनका वो शराब कहाँ से आई है उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। और उसके बाद अभी जो कुल घटनाक्रम में जो संदिग्ध करीब चार लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। सर, इससे पहले भी रौन में इस तरह का मामला हुआ था, लाहौर क्षेत्र में भी काफी मतलब जाने गई थी, वो भी जहरीली शराब से थी, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई। देखिए, वो पूर्व की घटना के विषय में तो अभी मुझे अभी ये क्लियर नहीं है कि उस समय उसमें क्या बातें रही थी जिसकी वजह से वो घटना हुई है, लेकिन अभी की जो बात आई है सामने, इसमें जो शराब बनाने वाली जगह थी वो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत थी और वहां से जो लड़के वहां पर मजदूरी के तौर पर जिन्होंने बनाई थी वही अपने साथ वहां से यहां पे शराब लाए थे, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हुई थी और बाद में एक व्यक्ति की। अभी कितनी हालत खराब है? अभी एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल एडमिट है, जिसका भी इलाज चल रहा है और दो एक लोग और हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो ठीक है और संभावना है कि आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक व्यक्ति अभी थोड़ा सा उसकी अभी इलाज चल रहा है। गांव में सर बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब पी है, बताना नहीं चाहते, खुल के निकलना नहीं चाहते, उनमें डर है, उनके लिए क्या इंतजार है सर? देखिए, उनके लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से अभी यहां पे चिकित्सा का वो भी कैंप जो है वो लगा रहे हैं, बीएमओ जो डॉक्टर हैं वो भी रहेंगे और उसमें जितने भी लोग हैं सभी का इलाज किया जाएगा। अगर कोई नहीं भी बता रहा है या किसी डर या संशय के उससे नहीं आना चाह रहा है तो उनको भी सभी को भी यहां पे गांव में सभी को सूचना भी कर दी गई है कि सब आ सकते हैं और कोई इस बात से ना डरे कि पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसकी भी अगर तबीयत थोड़ी भी खराब लगती है, कोई इस तरह की बात लगती है तो वो वैसे भी ये टेस्ट करेंगे और किसी को ऐसा लगता है तो वो आके यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। सर, अभी कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जो पंचायत चुनाव होने वाले थे उस समय शराब लाई गई थी। देखिए, ये ऐसी सूचना भी मेरी सरपंच जी से भी बात हुई थी, ये भी टीआई साहब के संपर्क में थे उस समय भी, तो उस समय इस तरह का कोई पॉइंट अभी इस तरह का आया नहीं है। बाकी अगर कोई इस तरह की बात आती है तो उसको भी जांच मिलेगी। आज जो संतोष की जो मौत हुई है, देखा जा रहा है कि सीधा उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया है, इसमें पीएम न होने की वजह से कहीं